आज हम पढ़ेंगे इथिलीन के बारे में, ठीक है। इथिलीन जो है गैसियस हार्मोन होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, गैसियस हार्मोन होता है। ये हार्मोन एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट रहता है, जो कि धुएं के साथ इंडस्ट्रियल गैसेस के साथ निकलता है, ठीक है। और इसी से पॉल्यूशन, इथिलीन की मात्रा जब ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो इथिलीन जो है प्लांट्स से भी थोड़ा सा प्लांट्स में भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन होता है, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये प्लांट्स में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलता है, प्लांट्स के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलता है, उसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ही इथिलीन बनता है, ठीक है। तो इथिलीन एक गैसियस हार्मोन होता है, गैस के रूप में पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में बहुत आसानी से डिफ्यूज़ होता रहता है, ठीक है। डिफ्यूज़न के द्वारा एक सेल से दूसरे सेल में बहुत आसानी से पहुंच जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और बहुत जल्दी इसका इफ़ेक्ट दिखने लगता है। इसका केमिकल फॉर्मूला C2H4 होता है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 C2H4 प्लांट्स में बनता है एमिनो एसिड मिथियोनिन से। एक टाइप के एमिनो एसिड्स रहता है मिथियोनिन, उससे प्लांट्स में बनता है इथिलीन, ठीक है। रूट्स में, लीव्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, फ्लावर में, स्टेम में और बहुत सारे प्लांट्स ऑर्गन के टिश्यूज में ये बनता है, ठीक है। सबसे पहले इसको देखे थे क्रॉकर, क्रॉकर एंड उनके सहयोगियों ने सबसे पहले 1935 में इस हार्मोन्स के बारे में पता लगाए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा बढ़ता है, उस समय इथिलीन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। इथिलीन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं CH2 CH2, गैस के रूप में पाया जाता है और प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ सिंथेटिक इथेनॉल टाइप, इथिलीन टाइप भी स्ट्रक्चर, मतलब केमिकल दिखाई देता है, जिसको हम बोलेंगे इथरॉल, इथाफोन, ठीक है। इथरॉल, इथाफोन, इसका जो कैरेक्टर होता है वो भी इथिलीन जैसा ही होता है। यह है सिंथेटिक केमिकल, ठीक है। सिंथेटिक केमिकल इथिलीन जैसा ही काम करता है। यह है इथिलीन CH2 CH2 और यह है इथाफोन, ठीक है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ इथिलीन। सबसे पहले नेलजुबो 1901 में सबसे पहले इथिलीन के बारे में बताए थे। उसने ऐसा होता है बोले थे कि रूट्स में जो जियोट्रोपिक जियोट्रोपिज्म पाया जाता है, हम लोग जानते हैं रूट्स जो है इसको नेगेटिवली पॉजिटिवली जियोट्रोपिक बोलते हैं, तो जियोट्रोपिज्म को चेंज कर देते हैं। कुछ ना कुछ प्लांट्स में ऐसा प्रेजेंट रहता है जो कि जियोट्रोपिज्म को ही चेंज कर देते हैं। सबसे पहले 1901 में नेलजुबो ने ऐसा बताए थे, ठीक है। तो प्लांट्स की लंबाई को बढ़ने नहीं देते हैं ये। बहुत सारे इथिलीन ऐसा एक हार्मोन होता है कि बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इनहिबिटर का काम करते हैं, मतलब बहुत सारे एक्टिविटी को रोक देते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स को लंबाई में बढ़ने नहीं देते, लंबाई में प्लांट्स नहीं बढ़ पाता इथिलीन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाने से। लेकिन ये जो प्लांट्स का जो नोड रहता है, ठीक है, इस नोड्स की मोटाई बढ़ जाता है इथिलीन के प्रेजेंस में, ठीक है। प्लांट्स लंबाई में नहीं बढ़ पाता लेकिन नोड जो है मोटाई में बढ़ जाता है। अब गैलस्टोन एंड डेविस 1920 में सबसे पहले प्रूव किए थे कि इथिलीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन होता है और प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और गैस के रूप में पाया जाता है, इसलिए एक सेल से दूसरे सेल में बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं डिफ्यूज़न के द्वारा, ठीक है। अब डेनी 1925 में बताए थे इथिलीन जो है बहुत एसेंशियल होता है और क्या है, फ्रूट राइपनिंग में, मतलब फल के पकते समय, फल के पकने के समय इथिलीन प्रेजेंस रहता ही है उस ऑर्गेन में, ठीक है। जैसे फल जैसे पकता है उसके ऊपर का जो लेयर होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे एप्पल पहले ग्रीन रहता है उसके बाद लाल हो जाता है ना, तो फल के जो कलर है वो कलर चेंज होने में इथिलीन हेल्प करता है। उसके अंदर के जो टिश्यूज़ है
हम लोग जानते हैं कच्चे फल में टिश्यूज जो है हार्ड रहता है, लेकिन जैसे ही फल पक जाता है टिश्यूज नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बाहर के जो लेयर रहता है इसके कलर चेंज करने के लिए और टिश्यूज जो रहता है उसको नरम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए इथिलीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए फ्रूट राइपनिंग के समय इथिलीन एसेंशियल होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। जिमरमैन उनके सहयोगियों ने 1931 में बोले थे कि इथिलीन जो है लीफ एब्सेसन में हेल्प करता है। लीफ एब्सेसन मतलब प्लांट्स का जो लीफ झड़ जाता है उस झड़ने में भी इथिलीन का रोल रहता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं हर साल ऑटम के सीज़न में लीफ झड़ जाता है और स्प्रिंग सीजन में नया लीफ बनता है, तो लीफ जो झड़ जाता है वो इथिलीन के प्रेजेंस में ही झड़ता है, ठीक है। आर गने 1934 उसने बताए थे कि इथिलीन जो है प्लांट्स में सिंथेसाइज होता है और फ्रूट राइपनिंग के लिए एसेंशियल होता है। पल्मर एंड स्मिथ 1972 में ऐसा बताए थे कि इथिलीन जो है ट्यूबर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। बहुत सारे प्लांट्स के रूट के नीचे ट्यूबर रहता है, ठीक है, ट्यूबर लाइक आउटग्रोथ जो रहता है इसको फॉर्मेशन के लिए भी इथिलीन जरूरी होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ इथिलीन। इथिलीन जो है एक टाइप के एमिनो एसिड से बनता है जो मिथियोनिन, इसका नाम होता है मिथियोनिन, कुछ एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है इथिलीन मिथियोनिन से, जैसे ट्रांसएमिनेस, पारोक्सीडेज, एफएमएन, लाइट की प्रेजेंस में ये सब जरूरी होते हैं। एटीपी भी जरूरी होती है इथिलीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। और इथिलीन में थोड़ा सा ऑक्सीजन मिला देने से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इथिलीन का बायोसिंथेसिस भी बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। सबसे पहले मिथियोनिन एमिनो एसिड्स H2NATP के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। मिथियोनिन एमिनो एसिड रिएक्ट करता है सबसे पहले वाटर के साथ NATP के साथ और क्या बनता है, राइबोस एडिनिन, इसको बोलेंगे 5-एडिनोसिन मिथियोनिन भी बोलेंगे, ठीक है। ये बनता है, ये बनने के बाद ये कॉन्वर्टेड हो जाता है दो भागों में कॉन्वर्टेड हो जाता है। एक भाग को हम बोलेंगे एमोनोसाइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एमोनोसाइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि रिएक्ट करता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ और बनता है इथिलीन गैस, ठीक है। और दूसरा चीज इसमें बनता है 5-मिथाइल थियोएडिनोसिन, ठीक है। सबसे पहले मिथियोनिन एमिनो एसिड जो है H2O एटीपी के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनता है, राइबोस एडिनिन जो है दो भागों में बढ़ जाता है, एक है एमोनोसाइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है 5-मिथाइल थियोएडिनोसिन, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू एमोनोसाइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बन जाता है इथिलीन गैस, हो गया। और दूसरा भाग जो 5-मिथाइल थियोएडिनोसिन रहता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करके 5-मिथाइल थियोराइबोस बनता है, फिर एटीपी के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनता है, मिथाइल थियोराइबोस 1,4+ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चेंज हो जाता है 4-मिथाइल मार्सेप्टो 2-ऑक्सोब्यूटरिक एसिड में, ठीक है। फिर इसमें ट्रांस एमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मिथियोनिन बन जाता है, इस टाइप से साइकिल चलता रहता है, ठीक है। 5-मिथाइल थियोएडिनोसिन जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, 5-मिथाइल थियोराइबोस जो एटीपी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मिथाइल थियोराइबोस 1-फॉस्फेट प्लस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कॉन्वर्टेड हो जाता है 4-मिथाइल मार्सेप्टो 2-ऑक्सोब्यूटरिक एसिड, फिर ट्रांसएमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मिथियोनिन बन जाता है, ठीक है। फिर ये साइकिल जो है चलता रहता है और इथिलीन गैस इस टाइप से बनता है, ठीक है।
अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल रोल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इथिलीन। इथिलीन का क्या क्या रोल रहता है? तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ फ्लावरिंग। इथिलीन जो है थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा हो जाने से इनहिबिट कर देते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है। ज़्यादातर इथिलीन क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होता है उसको भी इनहिबिट कर देता है, फ्लावरिंग होने नहीं देता है इथिलीन। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें फ्लावर बनने के लिए इथिलीन का रोल रहता है, ठीक है। जैसे पाइन एप्पल, मैंगो और कुछ प्लांट्स में जो फ्लावर बनता है इथिलीन के प्रेजेंस में ही बनता है, और बहुत सारे प्लांट्स ऐसा रहता है कि इथिलीन प्रेजेंट रहने से फ्लावर बन ही नहीं पाता, फ्लावर बनने को इनहिबिट कर देते हैं इथिलीन, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेम इलोंगेशन। बहुत सारे स्टेम इलोंगेशन मतलब स्टेम का लंबाई में बढ़ना, स्टेम के जो लंबाई में बढ़ना जो होता है उसको इथिलीन इनहिबिट कर देते हैं, मतलब प्लांट्स को लंबाई में बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन ये जो प्लांट्स के जो नोड्स रहता है उसके चौड़ाई को बढ़ाने के लिए इथिलीन का रोल रहता है, ठीक है। प्लांट्स के जो नोडल रीजन है वो बहुत फूल जाता है इथिलीन के प्रेजेंस में, लेकिन लंबाई प्लांट्स का रुक जाता है इथिलीन के प्रेजेंस में, ठीक है। लीव एब्सेसन। लीव एब्सेसन मतलब लीव का झड़ना, इसके लिए भी इथिलीन का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो जब प्लांट्स में जो लीव बनता है, ठीक है, लीव के ठीक ऊपर के भाग में एक स्पॉट बन जाता है जिस जगह में लीव झड़ता है जिस जगह से, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सेसन लेयर। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें जो एब्सेसन लेयर रहता है इस जगह में एक सेलुलेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, मतलब सेलुलेज एंजाइम जो है उसका सिंथेसिस होता है, और सेलुलेज एंजाइम का सिंथेसिस एथिलीन के प्रेजेंस में ही होता है, एथिलीन के कारण ही सेलुलेज एंजाइम का सिंथेसिस होता है। और इसके कारण क्या होता है, इस जगह के टिश्यूज जो है ढीला हो जाता है, वीक हो जाता है और पत्ती गिर जाता है, ठीक है। मतलब सेलुलेज एंजाइम के सेक्रेशन के कारण ही इस जगह के टिश्यूज ढीला हो जाता है और पत्ती गिर जाता है, और सेलुलेज एंजाइम का सेक्रेशन जो होता है इथिलीन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। मतलब इसलिए इथिलीन जो है लीप को झड़ने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। लीप इलोंगेशन। लीप का जो लंबाई, लेमिना का जो लंबाई बढ़ना, ठीक है, लीप के इस भाग को लेमिना बोलते हैं, इस भाग को अच्छे से लंबाई में बढ़ने नहीं देता है इथिलीन, ठीक है, इनहेबिट कर देते हैं लेमिना को लंबाई में बढ़ाने के लिए। और इसके प्रेजेंस में, इथिलीन के प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो लीफ है, लीफ के अपर भाग जो है इसमें सेल डिवीज़न बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, मतलब लोअर भाग में सेल डिवीज़न कम होता है, अपर भाग में सेल डिवीज़न बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। इसको बोला जाता है एपिनेस्टी, मतलब एपिनेस्टी वाला जो ग्रोथ है वो इथिलीन के कारण होता है। इस प्रोमोट सेनेसेंस एंड एजिंग इन प्लांट्स। इथिलीन प्रेजेंस रहने से क्या होता है, प्लांट्स बहुत जल्दी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके मर जाते हैं, मतलब सेनेसेंस को बढ़ाने में भी इथिलीन का हेल्प रहता है, ठीक है। इथिलीन का जब मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो प्लांट्स में एक एक सेल के अंदर के भाग में नॉन लिविंग पार्टिकल बढ़ जाते हैं और जल्दी जल्दी सेल खराब हो जाता है और सेल टिश्यू सब खराब हो जाता है, प्लांट्स जल्दी जल्दी मर जाता है, मतलब एजिंग को जल्दी लाता है और सेनेसेंस को भी जल्दी लाता है इथिलीन के प्रेजेंस में। फ्रूट के राइपनिंग में, जैसे बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ये सब चीज़ जो है इसको पकने में इथिलीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो पकने के लिए इथिलीन का यूज़ किया जाता है। इथिलीन बहुत सारी चीज़ों का ग्रोथ रोक भी देता है, जैसे ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो लेटरल बड है, साइड वाले ब्रांचेस बनने के लिए जो छोटे छोटे बड बनते हैं उस बड के फॉर्मेशन को भी रोक देते हैं इथिलीन, लेटरल बड्स को बनने नहीं देते हैं, ठीक है। थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट को बढ़ावा देते हैं ये, इससे क्या होता है, सेल वॉल का जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करता है, सेल के वॉल जो बनता है उसके जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करते हैं इथिलीन, ठीक है। और एक एंजाइम का सिंथेसिस करते हैं जिसको बोलते हैं ग्लूकेनेज। ग्लूकेनेज एंजाइम के सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, प्रेरित करते हैं। जो कोरोला रहते हैं, कोरोला मतलब फ्लावर, फ्लावर का जो कोरोला रहता है वो बहुत कलरफुल होता है, उस कलरफुल को फेड करने के लिए, मतलब कलर को
कम होने के लिए इथिलीन का रोल रहता है। ठीक है, जैसे लाल कलर का गुलाब, वो धीरे धीरे गुलाबी हो जाता है और सफ़ेद टाइप का हो जाता है और सूख जाता है। तो ये वो कलर जो फेडिंग है, उस फेडिंग में इथिलीन का रोल, इथिलीन के कारण ही कलर जो है वो फेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, और रूट एंड स्टेम के ग्रोथ को भी ये रोक देते हैं और एपिकल डोमिनेंस लगते हैं। एपिकल डोमिनेंस मतलब प्लांट्स को लंबाई में बढ़ने नहीं देता है, प्लांट्स छोटा रह जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से इथिलीन जो है जैसे प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोक भी देते हैं, इनहिबिटर जैसा भी कम करते हैं। इसलिए बहुत कम मात्रा इथिलीन की ज़रूरत होती है प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और कम मात्रा ही बहुत एक्टिव होने के कारण बहुत जल्दी उसका रिजल्ट देता है। ठीक है, इस टाइप से इथिलीन जो है वो कॉम्प्लीट हो जाता है।